अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ स्टडी समरी एंड इट्स क्वेश्चन एंड आंसर। इसके जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो हम पहले चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। दिस एसे इज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन एंड फ्रॉम द बुक इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, सो द समरी ऑफ दिस एसे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस टाइप्स एंड एडवांटेज ऑफ स्टडीज। सो बेकन सेज स्टडीज सर्व फॉर प्लेजर इन प्राइवेसी, दिस सर्व फॉर एडॉर्नमेंट इन टेकिंग फाइन फॉर एबिलिटी इन जजिंग द बिजनेस एंड एक्सपीरियंस पर्सन कैन टियारा टू डील विद द मैटर वाइजली। ठीक है, सो बेकन कहते हैं कि स्टडीज जो है कुछ लोग जो स्टडी को यूज करते हैं फॉर नॉलेज एंड द फॉर प्लेजर। ठीक है, और जब वो एक प्राइवेसी में होते हैं और फिर वो उस नॉलेज को हासिल करते हैं तो वो उससे उन्हें क्या मिलता है, प्लेजर हासिल होता है। ठीक है, और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो कि स्टडी को यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग देयर बिजनेस। ठीक है, कि वो अपना बिजनेस को बढ़ा सकें या अपने बिजनेस को चला सकें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पीपल होते हैं लेकिन उनके पास स्टडी नहीं होती, लेकिन उनके पास बिजनेस की, उस बिजनेस की बहुत ज़्यादा स्टडी होती है। ठीक है, तो वो अपने हर मैटर को बहुत वाइजली जो है डील करते हैं। ठीक है, बट पीपल कैन टेक द फुल एडवांटेज ऑफ स्टडी इन ऑल मैटर ऑफ द फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, लेकिन बेकन कहते हैं कि जो पीपल हैं, लोग जो हैं, वो हर तरह से जो है स्टडी का, स्टडी से एडवांटेज हासिल कर सकते हैं किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ, किसी भी जो हमारी फील्ड है, कोई भी फील्ड है लाइफ की, उसमें जो है स्टडी उनके लिए एक बेहतरीन काम आ सकती है। ठीक है, वी शुड नॉट स्पेयर ऑल द टाइम इन स्टडीज बिकॉज इट इज़ द लेजीनेस। ठीक है, देन बेकन सेज के हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, अपना बहुत ज़्यादा वक्त जो है स्टडी के अंदर नहीं डालना चाहिए बिकॉज फिर उससे हमें क्या होती है, वो एक लेजीनेस की तरफ हमें ले जाती है। ठीक है, और जितना ज़्यादा हम इसको स्टडी करते हैं तो हमें उतनी ही ज़्यादा हमारा माइंड उसको कैप्चर करता है। ठीक है, सो हमें एक प्रॉपर टाइम पीरियड आप देखेंगे तो आप हाउ टू स्टडी हमारा जो चैप्टर है इस बुक में, उसमें हमें एक प्रॉपर वे भी बताया गया है कि किस तरह से हमें अपने कितना ड्यूरेशन हमें टाइम स्टडी के लिए रखना चाहिए। ठीक है, तो उस वजह से अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारा माइंड भी जो है अपने उसको कैप्चर करेगा, जो भी नेचर, जो भी नॉलेज हम लोग हासिल कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरा वक्त स्टडी के अंदर लगाते जाएंगे तो हमें जो है कुछ भी चीज़ हमारे माइंड के अंदर नहीं आएगी और ये क्या होगा, फिर हमारा वक्त सारा का सारा वेस्ट होगा। टू यूज स्टडी फॉर अर्नमेंट इज अफेक्शन एंड टू यूज स्टडीज मेकिंग जजमेंट ऑन देयर रूल्स इज स्कॉलरली कनिंग। ठीक है, देन अगर जो स्टडी को यूज़ करते हैं फॉर ऑर्नामेंट, ठीक है, वो बेकन क्या कहते हैं कि वो एज अफेक्शन अफेक्शन स्टडी है बिकॉज वो उससे अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। ठीक है, और वो अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, जिस वजह से उनका जो स्टडी है वो एज एन ऑर्नामेंट प्रोवाइड करती है उनको। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जजमेंट करने वाले होते हैं और वो स्टडी को यूज़ करते हैं एज अ स्कॉलरली कनिंग। ठीक है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा अपने नॉलेज को शो करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा शोई पीपल जो होते हैं वो अपने नॉलेज को हर जगह दिखावा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बेकन कहते हैं कि वो स्कॉलरली कनिंग है। क्लेवर मैन हेट स्टडी बिकॉज दे स्टैंड दैट इट इज़ द वेस्ट ऑफ द टाइम एंड द सिंपल मैन अप्रिशिएट द हैबिट ऑफ स्टडीज एंड वाइज मैन यूज सिंपली यूज़ द स्टडी वाइजली। ठीक है, सो द थ्री पीपल्स के अबाउट बेकन ने बताया कि जो क्लेवर मैन है वो स्टडी को हेट करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इस टाइम का ज़ाया है, और जो सिंपल पीपल होते हैं वो उसको स्टडी को अप्रिशिएट करते हैं, और जो वाइज पीपल होते हैं वो स्टडी को वाइजली यूज़ करते हैं हर मैटर में। ठीक है, इन ड्यूरेशन ऑफ रीडिंग वी शुड नॉट स्पॉइल टू डिसअप्रूव एंड कॉन्ट्रडिक्ट नाइदर द थिंग्स नॉर इट इट बिलीव इन वॉट वी रीड बट वी बट टू वे द थिंग्स बाई थिंकिंग ओवर देम। ठीक है, देन बेकन सेज कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर हमें कोई ऐसा नॉलेज हासिल हो रहा है, ठीक है, तो हमें उसको स्पॉयल नहीं करना चाहिए, उसे बिल्कुल ही डिसअप्रूव नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, लेकिन अगर जो हमारे प्योर नॉलेज मौजूद है हमारे पास उसको लेके और फिर हम अपना डिफरेंट नॉलेज को जमा करके हमें अपनी एक और जो है अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, देन बेकन बुक्स की तरफ आते हैं एंड ही सेज सम बुक्स रीड ओनली स्किम्ड दैट इज टू बी रीड इन पोस्ट रीड सम बुक आर टू बी स्वैलिड दैट इज दे नीड नॉट टू बी रीड वेरी केयरफुली वाइल सम बुक मस्ट बी डाइजेस्टेड दे शुड बी रीड विद द फुल कंसेंट्रेशन। ठीक है, सो इधर जो बेकन ने हमें बताया, बुक्स की टाइप बताई कि कुछ लोग जो लोग होते हैं वो बुक्स को किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, कि कुछ बुक्स को जो होती हैं वो सिर्फ जो एज एन
ऐसे देखी जाती हैं कि उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता, और कुछ जो बुक्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम सिर्फ सॉलो करते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रीडिंग नहीं करते, और कुछ ऐसी बुक्स भी होती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है रीड करते हैं, उनका एक एक वर्ड जो है हमें उस बुक का पता होता है, ठीक है। सम बुक माइट बी रीड इन एक्सर्प्ट एंड एक्सट्रैक्ट मैट बाय अदर, ठीक है। और कुछ बुक ऐसी भी होती हैं जिनको जो है पढ़ता कोई और है, उनके एक्सट्रैक्ट जो है कोई और बनाता है, जिस टाइप के, जैसे अगर हम नॉवेल्स की बात करें, ठीक है, अगर जो हमारी एज एन अकेडमिक बुक्स होती हैं, हम उनके जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी समरीज देखते हैं, तो वो समरीज जो है दूसरे पीपल ने लिखी हुई होती हैं, लेकिन हम उस जो एक्चुअल वर्क होता है उससे हट के जो है हम उन समरीज को प्रिफर करते हैं, ठीक है। स्टडीज बिकम द वे ऑफ लाइफ, वी बिकम इंटेलिजेंट बाय फेल स्टडीज, एज देयर इन फिजिकल एक्सरसाइज फॉर डिफरेंट क्लाइम्स ऑफ द बॉडी, दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टडीज फॉर वेरियस डिफेक्ट ऑफ द माइंड, ठीक है। एंड देन बैकन जो है बात करते हैं कि जिस तरीके से बॉडी के लिए डिफरेंट हमारी जो डिजीज होती हैं उनको डिफरेंट क्योर होते हैं उनके, ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो स्टडीज हैं वो भी जो है हमारी जो बॉडी की जो माइंड की जो नीड है उसको भी पूरा करती हैं, ठीक है। ऑल डिफेक्ट्स ऑफ माइंड कैन बी करेक्टेड बाय स्टडिंग द थिंग्स, ठीक है। सो माइंड के जो डिफेक्ट हैं वो करेक्ट हो सकते हैं जब हम चीज़ों को स्टडी करेंगे, जिसे हमें जो आपके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है आप उसमें देखेंगे कि उसमें रसल ने जो बैकन ने जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स बताए हुए थे, ठीक है, हिस्ट्री का उन्होंने रिलेट किया था, मैथ को उन्होंने रिलेट किया था डिफरेंट सब्जेक्ट से, तो वो आप उस एक्सप्लेनेशन में जाके डिटेल्स उसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, ठीक है। वी रीड करेक्ट बुक्स द डिजीज ऑफ माइंड हेयर, ठीक है। तो अगर हम जो है सही नॉलेज हासिल करेंगे तो हमारी जो माइंड की जो डिजीज है वो भी जो है खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन एंड आंसर, हाउ डज लर्निंग अफेक्ट अ पर्सन जजमेंट, देन आंसर विल बी अ पर्सन बिकम एबल टू मेक करेक्ट जजमेंट बाय लर्निंग, ठीक है। सो बेकन सेज के एक पर्सन की जजमेंट जो है वो सही हो सकती है, उसको इफेक्ट कर सकती है, तो वो किस तरह से, बिकॉज इफ अ पर्सन हैव द नॉलेज देन ही कैन मेक द करेक्ट जजमेंट, स्टडी इनहेंस अवर नेचुरल एबिलिटीज, अ पर्सन हु इज वेल रीड कैन मेक द राइट डिसीजन, द रीजन फॉर दिस इज दैट इट बिकम मोर नोइंग एंड थस वाइजर फॉर लर्निंग। वाई शुड वी रीड द सेकेंड क्वेश्चन, वी शुड रीड टू इम्प्रूव अवर एबिलिटीज, अ वेल रीड पर्सन इज ऑलवेज मोर नॉलेजेबल देन द अदर, रीडिंग मेक अस वाइज एंड वी कैन मेक गुड जजमेंट ऑफ ऑल द मैटर ऑफ द लाइफ, देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अ लिटरेट एंड द इलिटरेट पर्सन, एंड एजुकेट नेशन कैन मेक अ ग्रेट प्रोग्रेस, ठीक है। सो अगर हम देखें जिसके पास एक नॉलेज होगा और फिर एक वो एक लिटरेट पर्सन होगा एज कम्पेयर टू जिसके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, तो वो एक उनकी जो थिंकिंग है उसमें भी एक ग्रेट चेंज मौजूद होगा, बिकॉज वो चीज़ों को दो मुख्तलिफ जावियों से देखेंगे, ठीक है। वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच अ बुक कैन बी रीड, अ बुक कैन बी रीड इन पार्ट्स बाय स्किमिंग थ्रू इट, अ बुक कैन बी रीड फास्ट बाय गोइंग थ्रू इट विदाउट केयरफुल अटेंशन, अ बुक कैन बी रीड गोइंग थ्रू इट विद अ ग्रेट अटेंशन, अ बुक कैन बी रीड इन कंसिडर फ्रॉम बाय सम वन एल्स, ठीक है। रीडिंग मेक अ फुल मैन, एक्सप्लेन, रीडिंग मेक अ फुल मैन बिकॉज इट मेक मैन नॉलेजेबल एंड वाइज, because of study a man is knowledgeable and wise, a man can deal with all sort of affairs wisely with the help of studies, a man can make correct decision by reading, a man is able to differentiate between the right and the wrong by reading, a man thus become a full man by reading, it make a lot of difference, therefore we should read to get knowledge and become wise, theek hai. So these are the explanation that how our study can make us full man. How do histories make man wise? Histories narrate the rise and the fall of the nation. So study Swen can learn a lot by reading history. So someone can learn a lot by reading history. ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट बाय बेकन, बिकॉज हिस्ट्री से हमें जो है नेशन के राइज एंड फॉल के अबाउट पता चलता है, तो जब हम रीडिंग करेंगे या रीड करेंगे हिस्ट्री को तो उससे हम बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, और उससे जो इंसान जो है एक वाइज पीपल बनेगा, वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑन द ऑफ अदर पीपल एंड द नेशन, वी कैन फॉलो नेशंस विच लीड टू प्रोग्रेस एंड प्रोस्पैरिटी, वी कैन यूज द वेज विच लीड नेशन टू फेलियर एंड एडवर्स सिटी, दिस हिस्ट्री मेक
मैन वाइज, ठीक है। तो अगर हम उन नेशन को फॉलो करें जिसके वजह से वो नेशंस जो हैं बढ़ी, ठीक है, उन्होंने तरक्की हासिल की, तो अगर हम उन वेज को फॉलो करेंगे तो हम भी जो हैं एक वाइज पीपल में आएंगे। और अगर हम उनको जो ऐसे नेशंस जिनके जो के फेल हुए, ठीक है, जो के तबाह बर्बाद हुई, तो हम उनका भी हमें वे पता होगा कि वो किस चीज़ से जो है इस तरह फेलियर की तरफ गई, ठीक है। सो हिस्ट्री मेक अस वाइज मैन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड द समरी ऑफ द ऑफिस स्टडी प्ले, एंड इफ यू नो द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एसे ऑफिस स्टडी बाय फ्रांसिस बेकन, तो आप जो इसके जो एक्सप्लेनेशन है चैनल के ऊपर अपलोड है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।